हेलो। हाँ भाई, आपका नाम मंजीत है? अच्छा, मंजीत नाम है आपका? मंजीत नहीं, मोहम्मद इम्तियाज। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे अभी? कुछ पूछ रहे थे ना अभी आप? मतलब बाइजूस के बारे में। आप कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में? क्या भाई, बोलो कितने, किस क्लास में हो? लास्ट टाइम क्लास हाई स्कूल। अच्छा, वही मतलब पूछना है कि टीचर मतलब घर पे आते हैं और मतलब क्या होता है, कैसे तो कब आएंगे टीचर? अभी आएंगे कि अभी नहीं आएंगे? अच्छा, सुबह तक बोले हैं आने को, भाई बोल रहे सुबह। फोन किए थे, क्या हाँ, कह रहे थे? अच्छा, बोल रहे थे सुबह आएंगे। हाँ, ये नहीं बोले कि टाइम कब से कब तक आएंगे। टाइम बोले थे मतलब वही 4 बजे से 5 के बीच। ओके, शाम में? हाँ शाम में 4 से 5? हाँ, इतने बजे आते हैं असल में ना। तो क्या और कुछ बोल रहे थे क्या, कि तो मतलब एड्रेस उड्रेस पूछ रहे थे क्या? हाँ एड्रेस पूछे थे वो भाई ही दे दिए थे एड्रेस पहले से। हाँ तो फिर उन उन जो सर का जो फोन किए थे, उनका नंबर तो होगा ही आपके पास? हमारे मोबाइल में तो नहीं है, भाई नहीं? के पास हाँ है। है, तो एक काम करिए, अगर वो नंबर है मतलब जब आ जाएंगे या नहीं आएंगे, मतलब वो नंबर अपने पास रखिएगा, ताकि अगर आप हाँ बायजूस का कोर्स खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो उस नंबर से आप फोन करके उनसे बात कर सकते हैं। असल में ना बहुत लोग कोर्स खरीदते हैं, उसके बाद उनको ढेर बहुत दिक्कत आती है, फीस दे देते हैं, उसके बाद कोर्स नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार नंबर रखे रखे रहिएगा ना, तो आप फोन करके बात कर सकते हैं उनसे। बहुत लोग नंबर क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, तो नंबर कहीं अपना सेव करके रख लीजिए। और जैसा कि कोर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कोर्स में यही होता है कि पहले टीचर आएंगे, कल जब आएंगे शाम को, वैसे तो बोले हैं तो आएंगे, अपना कार से आते हैं शायद, कहा कि जब हम दिए थे तो कार से आए थे, पहले पूछेंगे घर और अपना, जब पहुँचेंगे तो फोन लगा के पूछते हैं बेटा कहाँ घर है, तो उसी के आधार पे आते हैं। तो उनको हम गए थे, फिर अपने मतलब गए थे, रास्ते में थे, उनको ले आकर घर पे आए, इन सब पैसे आराम सब चीज़ हुआ। उसके बाद वो मतलब गार्जियन को बुलाते हैं, जैसे आपका भाई है, मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा नहीं है, कोई भी गार्जियन नहीं है, तो इंटरव्यू लेंगे ही नहीं, कहे कि बिना गार्जियन के वो नहीं देते हैं। उसके बाद अपना लैपटॉप, हाँ मम्मी पापा है, कोई भी भाई वही रहे, बड़ा भाई रहे, तो उसके बाद क्या होता है कि लेते हैं बस, यही ज़्यादा क्वेश्चन उच्चन पूरा रहता नहीं है आराम। देखिए, पहले तो बहुत हम एक बात गारंटी कह सकते हैं कि जब भी आएंगे बायजूस के टीचर, इतना इतना अच्छे, इतना अच्छे से बात करेंगे कि मतलब तुमको फील ही होगा कि भाई, हाँ कहेंगे ऐसे, तुमको फील कराएंगे कि तुम्हारे दोस्त हैं। हम जानते हैं ना काहे कि हम दिए हैं, उसका कोर्स भी महंगा रहता है ना। कोर्स महंगा रहता है भाई। हाँ मतलब बाइजूस का खरीदने पर। देखो, बायजूस का कोर्स महंगा है यार, काहे कि देखो, अगर हाई स्कूल का लोगे तो शायद 2400 रुपये पर मंथ पड़ेगा, 2400-2500 रुपये। अच्छा जैसे भाई मतलब फिजिक्स वाला है तो हाँ, फिजिक्स वाला नहीं, वो तो अच्छा है, मतलब बुलेट देखिए जल्दी। असल में ना फिजिक्स वाला जो है, ये हाँ आपको कुल 1 साल का जितना हाई स्कूल का मान लीजिए, ये आपको मतलब थोड़ा सा सस्ते में दे देंगे ना, लेकिन बायजूस का कोर्स महंगा 1500 रुपये का है जी। है। हाँ, अभी तो 1000, अभी पंद्रह तो हाफ चल रहा है, 1000 रुपये अभी मिल जाएगा। हाँ मतलब वही है, 1500-1600 चाहे जो हो, लेकिन बायजूस का कोर्स महंगा है। और आपको ये लोग पहले वो लेंगे, क्या कहते हैं, जो होता है एडमिशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे। देखो, हम जब हमारे पास आए थे, तो हम उस समय 12 में थे, तो हमसे बोल रहे थे कि 5000 रुपये लेंगे, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक टैबलेट देंगे, टैबलेट केवल ऐसे नॉर्मल टैबलेट, ज़्यादा महंगी नहीं रहेगी, सैमसंग की रहती है, उसमें से तुम अपने ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। अगर बायजूस का क्लास जो भी लेता है, उसको टैबलेट, बायजूस बुक, बायजूस के जो किताब, या हाई स्कूल में रहोगे तो हाई स्कूल किताब बायजूस की तरफ से दी जाती है, जो 5000 रुपये लेते हैं, 5-7000 रुपये, उसी से आपको किताब, एक टैबलेट, टैबलेट नहीं है कि बहुत महंगी, मतलब नॉर्मल रहती है, कि तुम आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो उनमें से। और बाकी किताब देते हैं, और आपका कोर्स जितना रहेगा उसी के हिसाब से आपको, अगर मतलब 2 साल के लेंगे, अगर 1 साल के लेंगे, तो उसी के हिसाब से पैसा लेते हैं। और जहाँ तक है, पर मंथ का 2400 रुपये पड़ता है।